विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जी बिंदल नूरपुर पहुंचे। चंबा दौरे के दौरान विश्रामगिरी नूरपुर में थोड़ी देर के लिए बिंदल रुके। स्थानीय विधायक राकेश पठानिया ने सभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिंदल ने कहा कि ई विधानसभा मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने वाली हिमाचल विधानसभा पहली देश की विधानसभा बनी है। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में जल्द ही नॉलेज बैंक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई विधानसभा अकादमी तपोवन धर्मशाला में खोलने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अनंत कुमार से भी इस बारे में मिले हैं और उन्होंने ई विधानसभा अकादमी खोलने के लिए आश्वासन दिया है। विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम मेरा नहीं है, परंतु उसको रन करने में कई बार ऐसी आती है। जितने मुद्दे आएंगे हम उसको समय देंगे जो हमको रेलेवेंट लगे। अगर समय दे दिया बात खत्म हो गया, अगर समय नहीं दिया तो उनका फिर भी वॉकआउट के उनका प्रोटेस्ट वॉकआउट चेक करने तो उनका धर्म फ्रंट पेज खबर सर वॉकआउट बंद हो सकता है। कैसे? सजेशन दो खबर छापेंगे ना, अगर आपने वॉकआउट की खबर तीसरे पेज पर छोटी खबर छापी तो चार बार छपेगी, पांच मिनट बाद वॉकआउट बंद हो जाती है। हम इतना कर सकते हैं जो हम कर भी रहे हैं इस सेशन में हुआ भी कि भाई वॉकआउट करो और फिर आ जाओ मुद्दे पे चर्चा करो। टोकन हो जिसमें वो ही टोकन है, 15 मिनट में वापिस विषय चलते रहे तो काम भी हो गया और उनका प्रोटेस्ट भी हो गया। टोकन उसको टोकन लिखता नहीं ना मीडिया।